हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यार आप लोग अपने अपने घरों में सब ठीक हो गए। और यार भाई लोग, आजकल कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, उससे भाई अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है। अब सेकंड चीज ये आती है यार, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सो मच लव टू आर मेलोडाइन वीडियो। तुम लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया भाई मेलोडाइन वीडियो को कि वो विद इन 2 डेज मोर देन 3600 व्यूज उस पे आ गए और बहुत ज्यादा लोग उसको फैला रहे हैं, शेयर्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं यार उस वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दैट मच लव टू आर वीडियो। So, भाई लोग, अब हम लोग आते हैं अपनी आज की वीडियो में। अब यार तुम लोगों को जैसे पता है कि भाई जो म्यूजिक मार्केटिंग है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर छोटी छोटी सीरीज की वीडियोस करते जाएंगे कि तुम लोग म्यूजिक बनाने के साथ साथ म्यूजिक मार्केटिंग भी सीख सको। अब भाई म्यूजिक मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। तुम लोगों को ये पता है कि भाई जो मोस्ट ऑफ द म्यूजिशियन है ना, व्हाई दे क्विट, बिकॉज जो उनका म्यूजिक होता है ना वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता और उन लोगों को लगता है कि यार हमारा म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है, तो वो क्या करते हैं एंड में म्यूजिक प्रोडक्शन क्विट कर देते हैं। सो भाई ये ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग ये पूरी की पूरी सीरीज लेके आए हैं इस चैनल के ऊपर कि भाई तुम लोग जो है अपना म्यूजिक खुद से विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी म्यूजिक लेबल, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी एजेंसी, कि तुम लोग अपना म्यूजिक खुद से फैला सको। सो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करेंगे। जो आज का टॉपिक है इसमें मैं आप लोगों को 5 मेथड बताऊंगा कि तुम अपना म्यूजिक इन 5 मेथड से तुम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हो। तुम लोगों को पता है मार्केटिंग जो एक चीज है ना वो ऑप्शनल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि भाई ऑप्शनल है की नहीं की और तुम लोग सोचो कि भाई YouTube है या Spotify है वो हमारा म्यूजिक लोगों तक पहुंचा देगा और हमारा म्यूजिक फैल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम लोगों को म्यूजिक मार्केटिंग के ऊपर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई ऑडियंस जो है वो तुम्हारे गाने सुने। और तुम लोगों को पता है कि जो गुड म्यूजिशियंस है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन है भाई, अब तुम लोग तो बहुत सारे सिंगर्स और म्यूजिक प्रोड्यूसर को सुन पा रहे हो, तुम लोगों को पता है उससे भी किलर, उससे भी ज्यादा अच्छे म्यूजिक बनाने वाले लोग हैं, बट वो लोग कभी भी अपने गाने ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पाते, तुम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। क्यों? बिकॉज वो अपने गाने को मार्केट ही नहीं कर पाते, उनका गाना लोगों तक पहुंचता ही नहीं है और उन लोगों को लगता है कि भाई हमारा म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है, हम लोग फेलियर्स हैं एंड दे क्विट मेकिंग म्यूजिक। और एक और चीज, तुम लोग भाई इतना ज्यादा एफर्ट अपने गाने के ऊपर डालते हो, तुम लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हो अपने गाने के ऊपर और पूरा उस गाने के ऊपर जी जान लगा के 3 महीने 2 महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते तुम लोग पूरा म्यूजिक के ऊपर जान लगा देते हो, बट जब तुम लोग उस गाने को यूट्यूब पे डालते हो, स्पॉटिफाई पे डालते हो, तो भाई देखते हो कि भाई यार हम लोगों को तो लिसनर्स ही नहीं आए, हम लोगों को तो ऑडियंस ही नहीं आई, यार क्या हुआ, मेरा गाना बेकार है। तुम लोग अपने आप को सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हो, तो भाई ये बहुत गलत चीज है। तुम्हारा गाना एक्चुअल में अप टू द मार्क होता है, पर क्या हुआ, तुम लोग अपने गाने को म्यूजिक मार्केट नहीं कर पाए और तुम लोगों को लगता है कि भाई मेरा गाना खराब है इसलिए लोगों ने सुना नहीं, बट एक्चुअल में रीजन क्या होता है कि भाई तुम्हारा गाना लोगों तक पहुंचा ही नहीं, तो वो सुनेंगे कैसे। तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि भाई तुम अपना गाना लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो। अब ये बहुत वाइड टॉपिक है, ये मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो हम लोग इस चीज को धीरे धीरे कवर करेंगे। हम लोग पहले एक वीडियो बनाएंगे, तुम लोग अगर उस पूरे प्रोसेस को मेरे साथ साथ करते चलोगे तो आई एम श्योर भाई तुम्हारे लिसनर्स भी बढ़ेंगे, तुम्हारी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी और तुम लोगों के म्यूजिक जो है वो लोगों तक पहुंचेंगे भी। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज कि तुम लोग मुझ पे क्यों भरोसा करो कि यार सर आप हम लोगों को बताओ और हम लोग आपकी बात मानेंगे, बिकॉज मैंने पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 300 क्लाइंट्स के साथ काम किया है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 35 लाख रुपीज आई हैव स्पेंट थ्रू गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, स्नैपचैट एड और लिंक्डइन एड्स। मैंने ऑलमोस्ट अपने क्लाइंट्स को मोर देन 200 मिलियन व्यूज करके दिए हैं, मतलब एक ही वीडियो में 200 मिलियन व्यूज नहीं करके दिए, बट बहुत सारे छोटे छोटे, किसी क्लाइंट को मैंने 500K व्यूज करके दिए, किसी क्लाइंट को मैंने 10 मिलियन करके दिए। और मैंने बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स की टीम के साथ और ANRs के साथ बड़ा ज्यादा करीबी तौर पर काम किया है और मुझे उन लोगों का पता है कि वो लोग क्या ढूंढते हैं एक आर्टिस्ट में बिफोर साइनिंग देम और उनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रहती है बिफोर रिलीजिंग एनी सॉन्ग। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, चलो फिर शुरू करते हैं। सो भाई लोग, अब हम लोग आ गए अपनी PPT के अंदर और अब हम लोग देखेंगे वो 5 ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम लोग अपना गाना प्रमोट कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला मेथड है वो ये है भाई, क्या होता है पहले जमाने पे क्या होता था, जो CDs थी, ठीक है, ये जो कैसेट थी, वो क्या होता था, वो एक लेबल जो था वो अपनी फैक्ट्री में बनाता था और उसके बाद वो अपने लोगों के थ्रू अलग अलग दुकानों में, मतलब दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, मेरठ, पंजाब, अपने नेटवर्क के थ्रू गाना जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, अब वो
फिजिकल दुकानें तो रही नहीं। अब क्या हुआ है, अब सीडी बेबी, डेस्टोकेट, ट्यूनकोर जैसे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर खुल गए। ये लोग क्या करते हैं, ये आपका गाना आपसे लेंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे, अब ऑनलाइन स्टोर्स में आप लोगों का गाना पहुंचा देंगे। जैसे गूगल प्ले म्यूजिक हो गया, ठीक है, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, एप्पल म्यूजिक हो गया, आईट्यून्स होगी, वहां पे आपका गाना जो है वो पहुंचा देंगे। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे जब आपका गाना पहुंचेगा तो आपको नए नए लिसनर सुनेंगे, ठीक है। वो जब नए नए लिसनर आपका म्यूजिक सुनेंगे तो वो आपको ढूंढेंगे, आपके फैंस बनेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिलीज योर म्यूजिक ऑन एवरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अपना म्यूजिक हर एक प्लेटफॉर्म पे रिलीज करो। अब जो हमारा सेकेंड मेथड है भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जब हम लोग अपना गाना भेजते हैं रिकॉर्ड लेबल वालों को, तुम लोग क्या करते हो, मेल कर देते हो। जैसे हम लोगों को बहुत सारे गाने आते हैं, सिंपली एक मेल आ जाता है या इंस्टाग्राम पे तुम भेज देते हो कि सर ये मेरा गाना सुन लो, ठीक है, इसमें बताओ क्या गलतियां। चलो हम लोग तो आपको बताएंगे, ठीक है, हम लोग आपके लिए एज ए टीचर काम कर रहे हैं। बट जो म्यूजिक लेबल्स के ANRs हैं या म्यूजिक लेबल हेड्स हैं, वो तुम लोगों को ऐसे रिव्यू नहीं करेंगे, बिकॉज उन लोगों को रोज थाउजेंड्स ऑफ मैसेज आते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों को करना पड़ता है, हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट बनानी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट क्या है, वो एक रिज्यूम की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे हम लोग कंपनीज में जाते हैं, हम लोग देते हैं ना अपना रिज्यूम देते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट तुम लोगों को बनानी पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट में क्या आता है, सो भाई सबसे पहले तुम लोगों को अपना लोगो बनाना है, अपना आर्टिस्ट नेम। जैसे मेरा आर्टिस्ट नेम शिवम है, उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा, अपनी बायो लिखूंगा। बायो के आगे कि मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसे रब्बी शेरगिल के लिए काम किया है, ठीक है, मुझे म्यूजिक मार्केटिंग भी आती है, ठीक है, मैं साउंड डिजाइन एक्सपर्ट हूँ, मैंने बहुत सारी मूवीज के लिए स्कोर किया है, ठीक है, या मैंने बहुत सारे म्यूजिक बनाए हैं लोगों के लिए। उसके बारे में मैं उसमें लिखूंगा कि भाई मैं कौन से डॉ पे काम करता हूँ, जैसे मुझे बिल्टन लाइव आता है, मुझे लॉजिक प्रो आता है, और उसके बाद मैं लिखूंगा मैं कौन से प्लगइन्स यूज करता हूँ और कौन से मेरे बेस्ट फेवरेट है। उसके बाद मैं अपनी फोटोज डालूंगा कि मैं एक्चुअल में दिखता कैसा हूँ, ठीक है, कि अगर लेबल वाला है वो मुझे साइन करना चाहता है या वो मुझे अब मेरे साथ गाना करना चाहता है, वो ऑफ कोर्स मेरी लुक्स भी देखेगा, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियोस जो मैंने प्रीवियस काम किया है मैं उनकी वीडियोस लिंक अपने उससे डालूंगा। उसके बाद मैं अपने सोशल प्रोफाइल लिंक्स दिखाऊंगा उन लोगों को। अब इसमें ये भी चीज आ जाती है कि भाई कि मेरी अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है, और मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जब उनको मेरी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट अच्छी लगेगी तो वो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। अब अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट का तुम लोगों को टेम्पलेट दिखाऊं, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा रिएक्शन टीवी 121 का, उस पे जाके तुम लोग फॉलो करो। उस पे हम लोग आपको 2-3 इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट डेमोस भेजेंगे, जो तुम लोग देखकर अपनी प्रेस किट भी बना सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड रीजन की तरफ। सो हमारा जो थर्ड रीजन है वो क्या है, बिल्ड अ मेलिंग लिस्ट। ये क्या चीज है मेलिंग लिस्ट, अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को लोगों की ईमेल आईडी इकट्ठी करनी है। अब वो ईमेल आईडी किन की होगी, तुम लोगों को लिंक्डइन पे जाना है, ठीक है, तुम लोगों को देखना है कि सोनी म्यूजिक इंडिया का लेबल हेड कौन है, टी सीरीज का लेबल हेड कौन है, ठीक है, स्पीड रिकॉर्ड्स का लेबल हेड कौन है, देसी म्यूजिक फैक्ट्री का लेबल हेड कौन है। तुम लोगों को वहां से उनकी ईमेल कलेक्ट करनी है, तुम लोगों को उनके इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे अगर तुम जाओगे तो बायो के नीचे तुम लोग देखोगे वहां पे फॉलो और ईमेल का ऑप्शन होता है, वहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी ईमेल डाल रखी है। तुम लोगों को वहां पे क्या करना है, वहां से अपनी सारी ईमेल्स जो है वो कलेक्ट करनी है। ऐसे ही तुम लोगों को अपने दोस्तों की, ठीक है, अपने रिश्तेदारों की, और जो तुम लोगों को लगता है कि हाँ यार ये म्यूजिक लिसनर्स हैं, ठीक है, जैसे तुम लोगों को पता है लगता है कि भाई कोई टिकटॉकर मेरी टिकटॉक बना दे या कोई इंस्टाग्राम रील वाला बंदा मेरी रील बना दे, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग उनकी भी मेल्स निकालोगे। अब क्या करोगे, तुम लोग एक वेबसाइट पे जाओगे MailChimp, ठीक है। अब MailChimp पे तुम लोग क्या कर सकते हो, फ्री ईमेलर्स डाल सकते हो। तो बिल्ड अ मेलिंग लिस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डू। अब जो हमारा फोर्थ रीजन है ना, वो ये है गेट प्लेलिस्टेड ऑन स्पॉटिफाई एडिटोरियल्स। अब तुम लोगों को पता है आज के टाइम पे जो लोग है ना ज्यादा, वो स्पॉटिफाई पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो यूट्यूब म्यूजिक पे सुनते हैं म्यूजिक, बट वो इतना ज्यादा नहीं सुनते जितना ज्यादा स्पॉटिफाई पे सुनते हैं। तो तुम लोगों को अपनी ऑडियंस जो है, जो अपने गाने हैं, वो स्पॉटिफाई पे जरूर रिलीज करने ही करने हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि ऑडियंस तुम्हारा गाना सुने, तो तुम लोगों को स्पॉटिफाई पे जरूर जाना ही जाना है। अब तुम लोगों को स्पॉटिफाई पे क्या करना है भाई, जाकर तुम लोगों को लेनी है प्लेलिस्ट। तो अब प्लेलिस्ट क्या होता है कि भाई मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 100 बेस्ट सॉन्ग निकाले और उनकी एक प्लेलिस्ट बना ली, और उसको बाद मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई अगर तू म्यूजिक सुनना चाहता है तो मेरी प्लेलिस्ट पे आके सुन, मेरी प्लेलिस्ट बेस्ट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जैसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, ऐसे ही प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लेगा मेरी। अब मैं जो जो गाने उसमें एड ऑन करता जाऊंगा वो गाने सुनता जाएगा, वो अपनी गाड़ी में मेरे गाने सुनेगा। अब ऐसे ही हम लोग रिएक्शन टीवी 121 की
प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं। तुम लोग चाहते हो कि भाई अगर हम लोग आपके गाने अपनी प्लेलिस्ट में एड ऑन करें, ठीक है, तो तुम लोग हम लोगों को ईमेल डालो, स्पॉटिफाई पे अपना गाना सबमिट करो, स्पॉटिफाई लिंक हम लोगों को भेजो। हम लोग क्या है, हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे आपके गानों की। बेशक आपका गाना इलेक्ट्रॉनिक है, बेशक आपका गाना पंजाबी है, बेशक आपका गाना हिप हॉप है, हम लोग वो सारे के सारे गाने अपनी प्लेलिस्ट में डालेंगे। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में आना है, जो स्पॉटिफाई की एडिटोरियल प्लेलिस्ट है। अब उसके लिए तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सर्च करना है गूगल पे स्पॉटिफाई बाय आर्टिस्ट, उसमें लॉग इन करना है, चूज वन ट्रैक यू वॉन्ट टू सबमिट। तुम लोगों को एक ट्रैक लेना है और उसको सबमिट करना है, वहां पे प्लेलिस्टिंग का ऑप्शन होगा, उसको पूरा फिल करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ रीजन पे। सो भाई फिफ्थ रीजन क्या है, सेल योर बीट्स। मतलब क्या है कि अगर तुम लोग हिप हॉप प्रोड्यूसर हो और तुम लोग चाहते हो कि भाई आप लोगों की बीट्स जो है वो लोग सुने, तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को अपनी बीट्स जो है वो अपलोड करनी है। वो कहाँ पे अपलोड करनी है, वो beatstarts.com करके एक वेबसाइट है, वहां पे तुम लोग अपनी बीट्स को अपलोड करोगे। वहां पे क्या है, वहां पे जैसे मैं एक रैपर हूँ और मैं एक रैप करता हूँ और मुझे बीट्स खरीदनी है। अब मुझे कैसे पता लगेगा यार कौन प्रोड्यूसर है कौन क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली beatstarts.com पे जाऊंगा और मेरे को जो पसंद आएगी मैं उसको बाय कर लूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैं साउंड क्लिक पे जाऊंगा, वहां पे भी बाय कर सकता हूँ, beatwebsites.com है वहां पे भी बाय कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, वहां से अपनी इन सारी वेबसाइट से बीट्स बाय कर सकता हूँ अगर मैं एक रैपर हूँ। तो तुम लोगों को भी ये करना, अगर तुम लोग हिप हॉप बीट्स या तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक बीट्स या तुम लोग पंजाबी गाने अगर तुम लोग बनाते हो, ठीक है, और तुम म्यूजिक बीट्स बनाते हो, तो तुम लोग अपना म्यूजिक वहां पे सेल कर सकते हो। वहां पे सेल करने के तुम लोगों को बहुत फायदा होगा और तुम लोगों को $1,000, $2,000, $500, $600, $700, $700 की बीट्स बिकती है, तो वहां से भी तुम लोग बहुत फायदा उठा सकते हो। अब भाई तुम लोग चाहते हो कि हम लोग आपके लिए स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट बनाए और तुम लोगों के गाने वहां पे अपनी प्लेलिस्ट में डाले और उसके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करके रीच करवाए, तो भाई अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो भाई हमारे नीचे कमेंट कर दो कि यस वी वांट प्लेलिस्ट। अगर तुम लोग, हम लोगों को 150 कमेंट्स भी आ जाते हैं प्लेलिस्टिंग के नाम के, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी ये प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे और जो भी तुम्हारे गाने हैं वो तुम लोग हम लोगों को ईमेल आईडीज में भेजो, हम लोग इसमें क्या करेंगे उस वाली प्लेलिस्ट में एड ऑन करना स्टार्ट कर देंगे, नए और पुराने गाने सारी चीजें। बस आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।